हरियाणा में चुनाव प्रचार से दूर हो चुकी सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस हाईकमान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां शैलजा के मुद्दे पर चुप हैं, तो वहीं बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया है। केंद्र के एक मंत्री ने शैलजा को बीजेपी में आने का न्योता दिया, तो दूसरे ने हुड्डा पिता पुत्र को इस मुद्दे पर घेर लिया। पंचकुला से ही कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई ने भी शैलजा का पक्ष लेते हुए उन्हें भावी मुख्यमंत्री करार दिया। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा जातिगत और निजी टिप्पणियां किए जाने के बाद से कुमारी शैलजा हरियाणा के चुनाव प्रचार से बाहर हुई। पिछले करीब एक हफ्ते से शैलजा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले रही और इस मुद्दे पर कांग्रेस हाईकमान और हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुप है। वहीं बीजेपी ने कुमारी शैलजा के अपमान को चुनावी मुद्दा बना लिया। हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चुनाव के बीच कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने दलित नेता कुमारी शैलजा का अपमान किया। इस विवाद में पूर्व सीएम भजन लाल का परिवार भी कूद गया। इस गहमागहमी के बीच कुमारी शैलजा भी चुप है और इस बीच कुमारी शैलजा को एक और पार्टी ने बड़ा ऑफर दे दिया है। पहले बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दिया और इसके बाद बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को पार्टी में आने का निमंत्रण दे दिया। एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान आकाश आनंद ने कहा कि कुमारी शैलजा के लिए बसपा के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। बताया जाता है कि शैलजा ने अपने 30 समर्थकों के लिए टिकट मांगा था, मगर उनके 4 समर्थकों को टिकट दिया गया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की कमान संभाली है। बीजेपी के लिए पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला भी पूरे दम से प्रचार में जुटे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।